नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ शोएब सुनसरा और गुस्टेक की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग के बारे में। कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग के पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जैसे कि आपके हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रही है तो क्या करना है, आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, वो सभी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके सीपीयू के जो पावर रहता है, पावर बटन और रीसेट बटन, अगर वो खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेस कैसे करना है। हाँ दोस्तों, बहुत ही ईजी है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा पावर का बटन चल नहीं रहा है तो हमने पूरा कैबिनेट ही उठा के चेंज कर लिया। पूरा कैबिनेट आप नया लेने जाओगे तो 1500 से लेके आपको 2000 तक कैबिनेट आएगा। तो आपको कैबिनेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक दो तीन आसान चीज़ बता देता हूँ, उससे जो है आप अपना सीपीयू का, अपने कैबिनेट का बटन रिप्लेस करते हो। अगर पावर का नहीं चल रहा है तो जो है रीसेट का उसको लगा के, या रीसेट का नहीं चल रहा है तो पावर का लगा के, या फिर जो है अगर आपके पास बटन है या फिर नॉर्मल जो हमारा बेल का बटन आता है वो भी हम लगा सकते हैं। तो उसको कैसे लगाना है वो पूरा मैं आपको ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक पावर बटन है और यहाँ पर ये जो है रीसेट का बटन है। तो कभी कभी जो है हमारे ये पावर का बटन हम ऑन करने पर भी हमारा सीपीयू चालू नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस दोनों बटन को रिप्लेस करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अपने कैबिनेट का जो है जो पैनल है उसको निकालेंगे, रिमूव करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने सीपीयू का जो ये पैनल है उसके यहाँ पर दो स्क्रूज है, दोनों स्क्रूज को आपको निकालना है और इस पैनल को रिमूव करना है। तो मैं जो है ये पैनल को, इसको खींच के ये पैनल को रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों, कवर निकालने के बाद आपको जो है इस कैबिनेट का ये जो फ्रंट हिस्सा है, जो ये वाला पोर्शन, उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए कभी कभी क्या रहता है, कोई कैबिनेट में यहाँ पर लॉक रहते हैं तो आपको तीन तरफ यहाँ पर लॉक रहते हैं, उस लॉक को दबाना है और इसको बाहर कर देना है। तो ये बड़ी आसानी से जो है निकल जाएगा, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी, दोनों तरफ से आपको लॉक निकालना है। कभी कभी कुछ कैबिनेट में स्क्रूज रहता है, जैसे मेरे कैबिनेट में देखिए यहाँ पर कुछ स्क्रूज है, तो ये वाले जो मेरे जो है तीन स्क्रूज दिए गए, तीनों स्क्रूज को निकालना है और ये पोर्शन को जो है पूरा रिमूव कर देना है। मैं इसमें रिमूव करके नहीं दिखाता, उसमें बहुत टाइम जाएगा। रिमूव करने के बाद आपको जो है दो बटन दिखाई देंगे, ये जो दो बटन है वहाँ पर जो है एक रबर का ग्लू से जो उसको चिपकाया हुआ है। तो अगर आपके पास बटन है अवेलेबल सेम टू सेम बटन, तो आप उसको थोड़ा लाइटर से थोड़ा उसको हल्का गर्म करके उस ग्लू को गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा और वो निकल जाएगा स्विच। वो स्विच को निकालने के बाद आप जो है उसको बड़े आसानी से, मैं बताता हूँ कैसे रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर वो जो वायर है वो यहाँ पर आया हुआ है आपके सीपीयू के अंदर। मैं आपको थोड़ा बराबर से जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो सीपीयू का आगे का जो फ्रंट का एलईडी है और पावर स्विच है उसका वायर यहाँ पर लगा हुआ है आपके मदरबोर्ड पे, इतने यही पोर्शन में, कॉर्नर के अंदर इतने ही पोर्शन में ये चीज़ लगी हुई होगी। तो उसको क्या करना है, आपको जो है वो पूरे वायर को निकालना है। इसमें एक पावर एलईडी है जो आगे का लाइट होता है, और एक हार्ड डिस्क का एलईडी है जो हार्ड डिस्क काम करता है उसका ब्लिंक होता है एक एलईडी, और एक रीसेट का और एक पावर का, टोटल चार स्विच है यहाँ पर। मैं आपको स्विच निकाल के दिखा देता हूँ, आपको जो है ये निकाल देना है। और निकालने के बाद देखिए उसके ऊपर जो है, ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, सब बाजू जो है लिखा हुआ है। देखिए ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर रीसेट लिखा हुआ है, इसके ऊपर पावर एसडब्ल्यू लिखा हुआ है, पावर एसडब्ल्यू मतलब कि जो है पावर का बटन, फिर देखिए पावर एलईडी लिखा हुआ है और इसके पीछे देखिए हार्ड डिस्क एलईडी। तो ये चार बटन है, चार बटन में देखिए अगर आपका पावर का बटन खराब हो गया है तो रीसेट की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। रीसेट तो जो है हम अंदर से भी कर सकते हैं कंप्यूटर ऑन होने के बाद। तो अगर आपका पावर का खराब हुआ है तो आप पावर की जगह पर ये रीसेट का बटन लगा दीजिए। कैसे लगाना है, जहाँ पर आपका पावर का बटन लगा हुआ था वहाँ पर जो है आपको पहचान कैसे करना है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको जो है। आप देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा जूमिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर देखिए सब बाजू लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क का किधर लगाना है, रीसेट का किधर लगाना है। आपके सीपीयू में पैनल पे यहाँ पर देखिए इस तरफ जो है आपको लिखा हुआ होगा कि कौन सा बटन कहाँ पर लगाना है। तो आपका जो रीसेट का बटन है वो पावर की जगह पर लगा देना है। तो पावर का बटन आप देख रहे हैं किस तरफ है, पावर का बटन जो है वो यहाँ पर इस तरफ है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको पावर का बटन रीसेट की जगह पर जो है मैं पावर की जगह पर जो है मैं रीसेट का बटन यहाँ पर लगा दूंगा। वैसे ही जो है मुझे ये पावर का जो है वो खुला रख देना है, उसको छोड़ देना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको जो है ऐसे रिप्लेस कर देना है। अगर आपके पास दोनों आपको यूज़ करना है तो आप जो है यहाँ से इतने हिस्से को काट लीजिए, और काटने के बाद जो है आपको उसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, या सोल्डरिंग करके, या फिर जो है डायरेक्टली उस पर लपेट दीजिए। अगर पूरा स्विच खराब हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, एक नया वायर लीजिए और यहाँ पर ये वाला पोर्शन रहने दीजिए ऐसे ही, और आगे से जो है आप बेल का जो बटन रहता है घर पे, जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, वो बेल का बटन भी जो है आप बड़ी आसानी से उसको लगाकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया रिप्लेस करने का आसान तरीका, आप इसको करेंगे तो जो है आपका बटन बड़ी आसानी से काम करने लगेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है,
आप नीचे लाइक का बटन है, जरूर से जरूर लाइक कीजिए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इसके रिलेटेड, पीसी ट्रबल शूटिंग के रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर से जरूर करेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करने पर आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बोलते रहे हमारे साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।